हेलो बच्चों तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फ्रॉम चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर सम बेसिक टेक्निक्स एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्लासिफाई द रिएजेंट शोन इन द बोल्ड इन द फॉलोइंग एज न्यूक्लियोफाइल्स या फिर इलेक्ट्रोफाइल्स कुछ यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है जिनमें की कुछ आपको रिएजेंट्स दे रखे हैं जो की बोल्ड में दिए हुए हैं आपको एनसीआरटी बुक के अंदर यही अंडरलाइन किए हुए मिलेंगे तो इनके लिए आपको ये बताना है कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल है की इलेक्ट्रोफाइल है तो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि, कि न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं देखो फाइल्स का मतलब होता है लविंग तो जो न्यूक्लियस को लव करे ठीक है जो न्यूक्लियस को क्या करे लव करें उनको न्यूक्लियोफाइल्स कहोगे और जो इलेक्ट्रॉन्स को लव करें उनको इलेक्ट्रोफाइल्स कहोगे अब न्यूक्लियस न्यूक्लियस में ऐसी क्या बात है कि कोई न्यूक्लियस को लव करे तो एक्चुअली न्यूक्लियस आपको पता है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से मिलकर बना होता है चार्ज के टर्म्स में बात करें तो जो भी चार्ज है यानी कि पॉजिटिव चार्ज या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियं है बेसिकली वो किसकी वजह से है बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज या किसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो और उसको लव

इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज को अट्रैक्ट करेगा बिल्कुल इसी का उल्टा जो आपका इलेक्ट्रोफाइल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहते हो कैसे होते हैं उनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज तो आप कह सकते हो कि ये खुद कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज होंगी वो कैसी होंगी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ठीक है क्लियर हो गया तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है न्यूक्लिफाइज सब समझ चुके हो न्यूक्लिफाइज इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो जो कुछ रिएजेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है हमें उनके लिए बताना है कि क्या वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन रिच होने का क्या क्या है? आपको एक हिंट मिल सकता है कि कई बार तो क्या होते हैं वो न्यूट्रल ही होते हैं बट अगर वो न्यूट्रल भी हैं तो उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे या फिर उनके ऊपर क्या प्रेजेंट हो सकता है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है या किसी फॉर्म में उनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स के फॉर्म में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहे हो इसी तरह से जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये भी आपके कैसे हो सकते हैं न्यूट्रल हो सकते हैं ये न्यूट्रल भी यहाँ पे आप लिख लो सो न्यूट्रल हो सकते हैं या हो सकता है कि उनके पास पॉजिटिव चार्ज हो या फिर हो सकता है कि वो कि वो एसिड्स हों जैसे और जिनकी हमने लास्ट केस में बात की थी ठीक है तो यहां पे आपको क्या पहचानना है न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल तो ओ एच माइनस देखो ऑक्सीजन के ऊपर आपको साफ साफ दिख रहा है पे माइनस चार्ज है बस अब तो हो गया क्लियर तो जब माइनस चार्ज है तो बताओ इलेक्ट्रॉन रिच है इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या हो गया सो ओ एच माइनस वुड बी अ न्यूक्लियोफाइल ठीक है इसका मतलब कि वो इस सी एस टी ओ से जब अटैक करेगा तो ये कौन सी जो पार्शियल पॉजिटिव पोजिशन है कार्बोनिल की इस कार्बन की उस पर जाके अटैक करेगा तो ओ एच माइनस का अटैक किधर होगा इधर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और जिससे कि बॉन्ड आपका कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा क्लियर है तो ये वाली फॉर्म आपको मिल जाएगी दूसरी बात हम करें एच एस माइनस की तो एच एस माइनस भी आपका क्या होगा एक न्यूक्लियो फाइल होगा नेगेटिव चार्ज आप देख पा रहे हो। अब ये कहा अटैक करेगा ये करेगा इस कार्बन के ऊपर क्योंकि कार्बन भी क्या है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज ऐसा क्यों क्योंकि उसके साथ में एक हेलोजन लगा है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ब्रोमीन यहां से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड ठीक है तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुआ अब क्वेश्चन आप मेरे को कॉमेंट में बताना कि किस तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है क्या ये एक एस टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है कि एस टाइप का सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ठीक है, है और ऐसा आपने क्यों कहा उसका तो रीजन भी बताना क्लियर और यहीं पे आज जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसके लिए भी आप मुझे बताना कि किस तरह का रिएक्शन है क्या ये एक सब्सटिट्यूशन रिएक्शन है या फिर ये एक एडिशन रिएक्शन है क्या ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है आप मुझे इन तीनों में से बताइएगा उसके बाद में जो हमारा सी पार्ट है सी पार्ट के अंदर देखो आप सी एस टी सीओ प्लस अब आपको क्या दिख रहा है जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर ऑलरेडी प्लस चार्ज है कार्बन के ऊपर ये जो आपका ग्रुप है ना ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा ये मैं साइड में इधर बना देती हूँ सो दिस इज सी एच थ्री O और ये जो कार्बन है ना इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है ठीक है तो ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली खींचेगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर भी इससे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ये जो स्पीशीज इट है ये खुद कैसी है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है देखो बेनजीन रिंग से तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कभी कभी डबल ट्रिपल बॉन्ड्स जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं हालांकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज सामने हो तो वो इनको इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकते हैं तो ये इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा और जिससे कि हमारे पास में बन जाएगा एक कीटोन ठीक है ये कीटोन जो है कुछ इस तरह का नजर आएगा ये मैं आपको दिखा देती हूँ इधर सो दिस इज योर बेंजीन और उसके ऊपर लगा है ओ सी एस टी तो ये क्या हो गया एक तरह का कीटोन हो गया क्लियर तो अब आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए भी मुझे ये बताना है कि क्या ये किस तरह का रिएक्शन है क्या ये एक एडिशन है क्या ये एलिमिनेशन है क्या ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है ठीक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है क्या या फिर एक ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है तो ये आप लोग मुझे कॉमेंट में बताना उसके अलावा अगर हम लोग डी पार्ट पे चले तो यहाँ पे भी आपको सी एस टी सीओ सी एस टी ऑलरेडी कीटोन दे रखा है और साथ में सी एन माइनस दे रखा है तो ये सीएन माइनस आप अगेन देख लो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये जाके अटैक करेगा जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है और ये बॉन्ड आपका किधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ राइट तो क्योंकि सीएन नेगेटिव जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है उसने इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक किया तो सीएन माइनस आपका सीधे सीधे तरीके से क्या हो गया एक न्यूक्लियोफाइल जबकि सीएसटी सीओ प्लस क्या था ये था एक इलेक्ट्रोफाइल और फाइनली जो आपको एक कंपाउंड मिलता है वो कुछ इस तरह का होगा इज दैट क्लियर तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आई गेस कि अभी तक भी अगर आपके दिमाग में कोई न्यूक्लियो या इलेक्ट्रोफाइल को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन था तो इस क्वेश्चन को करने के बाद में वो डेफिनेटली खत्म हो गया होगा तो यहां से हमें ये दोनों तो न्यूक्लियोफाइल मिल जाते हैं ये भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे मिल जाता है जबकि ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है सो आई गेस कि ये तक सारा पोर्शन आपको क्लियर है बट स्टिल अगर किसी तरह का डाउट आपके दिमाग में है और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप ये नहीं समझ पा रहे कि जो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं कि इनमें से क्या होगा बी जो है इनमें से एस एन वन होगा कि एस एन टू होगा सी जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है और इसी तरह से जो डी पार्ट है आपका क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है या एलिमिनेशन है या एडिशन है ये क्या है कोई रिएक्शन समझने में आपको दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जितना जल्दी होगा मैं आप लोगों के लिए उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपका दिन, आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगी या इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर दूंगी ठीक है तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर थर्टीन विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के साथ में टिल देन टेक केयर गुड बाय एंड प्रैक्टिसिंग फॉर बेटर कॉन्फिडेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद दिस थैंक यू सो मच